अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद भारत समेत पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके की बातें की जा रही हैं। हर तरफ तालिबान की कड़े शब्दों में निंदा की जा रही है और ऐसे में मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने तालिबान का समर्थन कर दिया, जिससे माहौल बिगड़ गया। और तालिबान के समर्थन में खड़े रहने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र के जलगांव जिले की है, जहां मशहूर शायर मुनव्वर राणा के पुतले पर जूते चप्पल बरसाए गए और फिर उस पुतले को आग के हवाले कर दिया गया। गौरतलब है कि अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे को लेकर शायर मुनव्वर राणा ने घटना का समर्थन किया और उसी समय हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि के लिए डाकू जैसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, जिसको लेकर कोली समाज भी आक्रोशित हो उठा, हिंदू भावना भड़क उठी और आज जलगांव में मुनव्वर राणा का पुतला दहन किया गया। हालांकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुनव्वर राणा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।